गुड मॉर्निंग आप सभी। और मेरा नाम प्रशंजीत चक्रवर्ती है, मैं लिटोर अकेडमी में मैथ्स पढ़ा और मैं क्लास 7 स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आज हमारा टॉपिक होगा चैप्टर 4 का सिंपल इक्वेशन। राइट, तो सिंपल इक्वेशन क्या है? सिंपल इक्वेशन को हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो सिंपल इक्वेशन में दो तरह के पॉइंट्स को आप साथ में लेकर चलते होंगे, जैसे कि एक वेरिएबल, सेकेंड नॉन वेरिएबल। सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा वेरिएबल। वेरिएबल वो आप अल्फाबेट्स बोल सकते हैं या फिर वो डिजिट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते। चेंज हो सकते हैं वो कैसे? जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, कोई भी आप अल्फाबेट यूज करते हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड पी R, A, B, C, इसको आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के साथ वेरिएबल हमेशा चेंज हो सकता है। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल क्या है? तो नॉन वेरिएबल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. ये सब क्या है? ये सारे जो डिजिट्स हैं, ये जो वैल्यू रखते हैं वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होते। एक्स का वैल्यू चेंज हो सकता है, वाई का वैल्यू चेंज हो सकता है, जेड का वैल्यू चेंज हो सकता है आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट कभी भी आपको ये नहीं लगता है कि जीरो को आप वन, वन को टू या टू को थ्री नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आप चेंज करके आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वेरिएबल को नॉन वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल वो अल्फाबेट्स या डिजिट्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें दो और पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। एक है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और सेकंड है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको देखना है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इसको टाइप कर सकते हैं या ऐसा लिखेंगे आप। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसमें मैंने इस एक्स को इंक्लूड किया हुआ। ठीक है, एक्स को इंक्लूड करने का कारण ही है कि इसको एक्स का मेरे को वैल्यू आगे हो सकता है निकालना। बट इक्वेशन और एक्सप्रेशन में मैं आपको डिफाइन करूंगा आगे कि इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। पहले मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दे रहा था, इसलिए मैंने आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल शो किया क्योंकि इसमें इंक्लूडेबल एक्स था। अब अगर मुझे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देना है तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किस तरह से आप देखेंगे? ये है एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। बिकॉज अरिथमेटिक में क्या है, 0 to 9 आप क्या करते हैं, डिजिट्स यूज करते हैं। डिजिट्स यूज करने से आपको बेनिफिट ये है कि आप 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स इसमें देख सकेंगे वो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का हिस्सा होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन क्या है और एक एक्सप्रेशन क्या है और एक इक्वेशन क्या है। ठीक है, अगर हम लोग ये लिखते हैं तो ये क्या है? एक तरह से एक्सप्रेशन, ये एक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इक्वेशन में हमेशा दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो
इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, दो साइड होना जरूरी है, और दो साइड होने के लिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये बन गया एक इक्वेशन। क्यों ले गया इक्वेशन, क्योंकि इसके पास साइड में दो साइड मिलते हैं, ये इक्वल का साइन लगने से ये तैयार हो जाता है क्या, इक्वेशन। इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एलएचएस और आरएचएस। आप खड़े हो जाएं, ठीक है, अब आप मेरे को देखेंगे तो मेरा तो ये राइट हैंड लग रहा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड लग रहा है, बट जब आप उल्टी दिशा में घूमकर खड़े होते हैं तो ये पार्ट आपका क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाता है आपका, राइट हैंड साइड। इसलिए ये क्या है, दो इक्वेशनों में अब बढ़ चुका है, एक इक्वेशन ये हो गया एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये जो पोर्शन है ये है आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको दो पार्ट में बांट के या हम लोगों ने दिखा दिया कि एल एच एस किसको बोलते हैं और आर एच एस किसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी जरूरी नहीं है कि जो एल एच एस है वही हमेशा ज्यादा हो, एल एच एस ज्यादा होना कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आप आर एच एस भी ज्यादा हो, जैसे कि 4x प्लस 2 इक्वल देन 9x प्लस 18 लीजिए, अब आर एच एस आपका बड़ा हो गया, पहले आपको एल एच एस ज्यादा बड़ा लग रहा था बट अब तो आपको आर एच एस बड़ा लगने लगा। तो इसमें इक्वेशन इसी को बोलते हैं कि दोनों साइड में कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा साइड ज्यादा बड़ा हो या ज्यादा चले, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि फॉर्मेटिंग इक्वेशन। फॉर्मेटिंग इक्वेशन में आप लोग क्लास में आगे भी पढ़े होंगे, फॉर्मेटिंग इक्वेशन में जैसे दिया होता है गिव सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 6, ठीक है, गिवन सम ऑफ एक्स एंड 4 इज 6। तो इसको आप कैसे शो करेंगे, इसको आप अगर सोचेंगे कि 4 और x को दिया हुआ है तो कैसे इंक्लूड कर दूं मैं, तो आपने 4x कर दिया, 6 को भी इसमें ऐड कर दिया, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको ये पहले ही बता रहा है कि x और 4 मिलाकर 6 बनेगा, पर आपको x की वैल्यू नहीं पहले से दी हुई है, अब आपको पुट करना है इसको इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग इक्वेशन। फॉर्मेटिंग इक्वेशन को आप हम लोग बनाएंगे किस तरह से, अगर वो सम हो एक्स प्लस 4 इक्वल देन 6, ये होगा एक फॉर्मेटिंग सम का इक्वेशन। अगर हमको इसमें माइनस को दिखाना है तो ये कर देते हैं डिफरेंस बिटवीन वाई एंड टू इक्वल इज 8। अब आपको इस इक्वेशन को अगर बनाना है तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे, y क्योंकि इसमें पहले से ही डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब आपको माइनस, सम में तो प्लस करना है, तो y माइनस 2 इक्वल देन 8, ठीक है, आपको ये मिला। अब आप कहीं पर आप ये भी देखते होंगे कि कहीं पर लिखा होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में अगर दिया हुआ क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड एक्स, प्रोडक्ट गिवन 3 एंड एक्स इक्वल देन 21, ठीक है, तो 3 एंड एक्स का वैल्यू 21 पहले से दिया हुआ है, तो आपको 3 में क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 इंटू एक्स इक्वल देन 21। अब इसको अगर आप चाहें तो आगे सॉल्व भी कर सकते हो, 3x इक्वल देन 21,
एक्स का वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या आता है, 21 बाय 3, 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, तो दिस इज द एक्स वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। अब इसी में हम लोग और भी अगर फॉर्मेटिंग इक्वेशन में देखना चाहेंगे, तो हम लोग टाइम्स के बारे में जान सकते हैं कि किस तरह से दिया रहता है। कभी कभी दिया होता है कि इसकी उम्र उसकी उम्र से इतनी ज्यादा कैसे, तो टाइम, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग दिया हुआ कि 6 टाइम्स ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है इसमें टाइम्स को ट्वाइस हो या डबल हो या कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप एक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 टाइम्स दिया हुआ है मतलब 6 इंटू एक्स इक्वल देन 0, तो 6 एक्स इक्वल देन 0, ठीक है। इस तरह से आप लोग टाइम्स को इसमें शो कर सकते हैं। अगर आपका फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन को भी कर दीजिए, जैसे कि फ्रैक्शन 1/4 ऑफ x या हाफ ऑफ y, तो 1/4 x, मतलब x को क्या करना है आपको उसमें मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में लेकर आना है, हाफ को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके y को एक्सप्रेशन में लेकर आना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकेंगे कि फॉर्मेटिंग एक्सप्रेशन इक्वेशन किस तरह से तैयार किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पुटिंग वैल्यू। पुटिंग वैल्यू में हम लोग आते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू क्या है, इसमें पहले से ही आपको वैल्यू मिला हुआ होता है, जैसे कि x इक्वल टू 2, अब कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, x प्लस 4 इक्वल टू 10, हमको ये दिखाना है। अब इसको क्या करेंगे आप, आपको ये x की वैल्यू पहले से ही पुट कर दी गई है कि आपको 2 यूज करना है वहां पे, तो आप यहां पर क्या करेंगे LHS साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो x की जगह पे हमने क्या कर दिया 2, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमको पता थी 2, हमने LHS में इसको पुट कर लिया है, ठीक है, 2 के साथ, तो 2 एंड 4 इक्वल देन 10, 6 इक्वल देन 10। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इसके जगह पे मैं एक और क्वेश्चन भी लिख सकता हूं, हाँ। अब हम लोग आते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 5p + 2 = 17, तो इसको क्या करते हैं, तब तक हम लोग को वैल्यू पुट अप करना है, जैसे कि यहां पर हम लोग p का वैल्यू एक बार 1 रख के देख सकते हैं कि क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 यहाँ पर p दिया हुआ है, तो ऑलरेडी p का वैल्यू आपको मिला हुआ है, तो आपको 1 लिख देना है, प्लस 2 = 17, तो 5 बन जाए 5 + 2 = 17, 5 और 2 को प्लस किया तो आपको क्या मिला 7 = 17, मतलब p का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। अब आप उसको p का वैल्यू 2 रख के देख लीजिए या 3 रख के देख लीजिए, अगर हम लोग मान लीजिए p का वैल्यू यहां पर चेंज कर देते हैं 3 के साथ, ओके, तो यहां पर सेम इक्वेशन आपको फिर से बनाना है LHS और RHS को शो अप करने के लिए, 5 × p का वैल्यू अब हमने रख लिया 3, 2 = 17, 5 × 3 कितना हो गया 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, राइट, और ये 2 = 17। अब आप जोड़कर देखिए यहां पर 15 × 2 = 17, मतलब LHS = RHS, ठीक है। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पहले से क्वेश्चन दिया हुआ था सॉल्विंग इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन भी सॉल्व करना है, किस तरह से आप सॉल्विंग इक्वेशन को कर सकते हैं मैं इसको बता रहा हूं। अब बात आते हैं सॉल्विंग इक्वेशन पे, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन में आप हमेशा
दोनों पार्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, एक बार एलएचएस को और एक बार आरएचएस को। जैसे कि आपका क्वेश्चन फिर से अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं 7x प्लस 14 इक्वल देन 21 प्लस 9x, मैंने इस इक्वेशन को टाइप कर लिया। अब आपको सॉल्विंग इक्वेशन में क्या करना है, एलएचएस को भी लेकर चल रहे हैं और आरएचएस को भी लेकर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहले बोथ साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, दोनों तरफ से x को हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया 7x, अब ये प्लस था, ये यहां से प्लस है, तो यहां से जंप करके जब इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो वो हो जाएगा माइनस और अपर डिजिट, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी मौजूद है 21, ठीक है, 21 के बाद यहां से ये जब ड्रॉप आउट होकर यहां पर आएगा ड्रग करके हम इस तरफ ले करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस और अपर डिजिट हो जाएगा 14। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, 7 में से 9 माइनस कर दिया आप लोगों ने 2x लिख दिया और इक्वल 21 में से 14 माइनस कर दिया आपने 7 लिख दिया, लेकिन ये इक्वेशन गलत हो गया आपका। क्यों हो गया गलत, क्योंकि आपने यहाँ पर माइनस को ट्रांसफर किया ही नहीं, एक्चुअली ये ऑलरेडी प्लस में है और ये माइनस में है, माइनस यहाँ प्लस से पहले से ही बड़ा है, इसलिए आप यहाँ पर माइनस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक्स को यहां पर लेकर आइए, 7 को यहां पर लेकर आ जाइए और इस माइनस 2 को यहां पर लेकर आएंगे और ये माइनस का सिंबल बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्विंग इक्वेशन को आगे जाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैंने आपको जितना सिखाया है उसको आपको घर में प्रैक्टिस भी करनी है और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आपको इसमें आगे कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं, तो आपके इक्वेशन या एग्जाम्पल में दिए हुए क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या फिर इस नंबर पे लॉगिन करें जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।